इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अच्छा सुन, एक काम करेगी मेरा? हाँ बताओ। जाके अपने जीजा जी से बात करना और हंसी हंसी में उनका नंबर भी निकाल ले। यह इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इसे अच्छा नहीं लगता। अरे चौकी, साली है तू, उनकी हक है ये तेरा। अच्छा सुन, होशियारी से नंबर मांगना, किसी को पता ना चले। हाँ दी शाना। आदित्य बहुत उड़ रहा था ना, अच्छा किया जो तुझे बांध दिया, वरना तेरा क्या भरोसा, ले आता किसी मेम शेम को और कह देता मीठी और अंग्रेजन भाभी उड़ी नहीं। एक्सक्यूज मी, बाय। हाय दी, आई एम रंजन। हाय। आदि प्रिया की छोटी बहन। तो कैसे लगा आपको हमारे ही घर? और हमारी नटखट आदि प्रिया। घर तो घर वालों से ही अच्छा या बुरा बनता है ना, और आप सब इतने अच्छे हैं तो घर तो अच्छा लगना ही था। That's so sweet of you. है ना पापा? हाँ। पर एक बात बताऊं तुम्हें, सबसे अच्छी तो ना मेरी सबसे पक्की दोस्त भारती है। पता है, जैसे भगवान जी ने ना उसमें से छोटी छोटी बहुत सारी खूबियां निकाल करके ना सब लोगों में प्रसाद की तरह बांट दिए, इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए ना उन दोनों बच्चों को, इसीलिए तो हमारा घर इतना अच्छा है। जी हमने पापा से भारती जी की इतनी तारीफ सुनी है कि एक एक अच्छाई पता है उनकी। बहुत मानते हैं पापा विहान जी और भारती जी को, और सच में दी इतनी लकी है कि उसे आप सबका साथ मिल रहा है। लकी तो बहुत है वो, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि इतने बड़े घर में रिश्ता तय हो जाएगा। वैसे आदि के लिए तो बड़े बड़े रिश्ते आ सकते थे, पर छोटी माँ है ना, उन्हें समझना और समझाना इम्पॉसिबल है। पहले जिस पे नजर पड़ी भले वैसे आई एम सॉरी, मैं आपकी और आपकी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर रही थी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना। वैसे शादी ब्याह के मामले में तो बहुत टाइम लगता है। जैस्मिन दीदी, ये सब बातें बाद में करते हैं। आदित्य यार एक बात तो बताओ, रिश्ता तो विहान का तय हुआ था, फिर अचानक ये दूल्हा कैसा बदल गया भाई साहब?